ये लोगों का प्यार है, इफ्तारी रखी है पहले से ही। कुफारा के लोग है ही ब्यूटीफुल, भीड़ बहुत ज्यादा है, मुझे सच में रोना भी आ रहा है। टाइम कम है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। सो हाँ जी, ऐसे मुझे लाइट पकड़ के, तो अभी मैं आया हूँ जैद भाई के घर और यहाँ मेरा स्टफ है। बाकी जैद भाई, हमें कुछ करना है आज, है ना? इफ्तार पार्टी। हाँ, इफ्तार पार्टी करनी है। किन लोगों के साथ? एक्चुअली हमें जो है ना, वो इरादा था हम इफ्तार करेंगे मदरसे के साथ, दारुलूम के साथ, दारुलूम के बच्चों के साथ, दारुलूम में इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन यहाँ जो है ना, बहुत मसले देखने पड़ते हैं, तो मैंने सोचा नहीं, अब जो है ना दारुलूम वालों के साथ नहीं। क्योंकि एक दो दारुलूम में हम गए तो वहाँ उन्होंने बोला कि नहीं, वो प्रॉब्लम्स होती है एट्सेट्रा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हमने सोचा कि हम क्या करते हैं, काम हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जो भी हमें मिलेगा ना, उनको हम इफ्तार बांट लेंगे। क्योंकि अभी जो है ना टाइम आ गया है ऑलमोस्ट 6:10, तो इफ्तार को ऑलमोस्ट 40-85 मिनट है ना जहर भाई, ऑलमोस्ट 85 मिनट है। मैं ऊपर बैठा हूँ। लाइट ऊपर है, वो आप ऊपर नहीं बैठे हो, है ना? हाँ, लेकिन बहुत ही मस्त आ रहा है, बहुत तेज लाइट है। हाँ, ये हेलोजन लाइट है, मैंने लाई थी कब, जब मैं GoPro से शूट करता था, अभी भी करता हूँ। तो चलो निकलते हैं, बहुत टाइम हुआ, लेट हुआ है ना। हाँ, चलो निकलते हैं। बाइक हम यहीं रखते हैं, वो है डोमिनर, ये है मेरी रेड हॉर्स, और यहाँ से है वासिफ, मुझे मुसाफा कभी निकलता है मुंह से। वासिफ भाई, और यहाँ से साजिद भाई, यहाँ से शौकत भाई, और यहाँ से जायद भाई, हाँ, और यहाँ से हूँ मैं। तो अभी हम निकलते हैं क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हुआ है ना, हमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। चलो, तो ये जो है ना, ये बांडे मोहल्ला है ना, बांडे मोहल्ला है क्या है ये पूरा, मतलब हरपोरा है, हरपोरा है क्या है, हरपोरा, अच्छा हरपोरा, मतलब यार क्या बंदे हैं, लोग रहते हैं यहाँ पर, दोनों बंदे, एक तो ये दूसरा इधर से, ये रहते हैं यहाँ पर इनको मालूम नहीं है ये कौन सा मोहल्ला है, तो पता है यार हरपोरा इसको, मतलब हरपोरा भी कहते हैं, मतलब हम शॉर्ट में बोलते हैं एपेक्स एकेडमी के पास। मतलब आप लोगों को मालूम नहीं है, क्या बोला, चौधरी मोहल्ला। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ, हम जूस क्रेट लाएंगे एक दो, और फिर खजूर भी लाएंगे, और फिर वही जो है ना वो क्या, तो फिर वही जो है ना वो लोगों में बांट लेंगे। अभी इफ्तारी का टाइम हो रहा है और देखो यहाँ से कितना ट्रैफिक है, बहुत हलचल है इफ्तारी के टाइम, और हम आ गए मार्केट में इस वक्त हनवारा के चौक में। तो टाइम कम है, मेहरबानी करके, अभी ना टाइम कम हो रहा है, तो चलो एक क्रेट हमने पकड़ा, अब ये दूसरा क्रेट है। अभी खजूर कहाँ से लाएंगे भाई, वहाँ से? ओके, लेकिन यार रश बहुत ज्यादा है ना, देखो यार, क्योंकि मुझे ना समय नहीं दे रहा है कुछ, और अभी इस वक्त इफ्तारी और सब जो है ना वो घर की ओर जा रहे हैं, और हम इस वक्त जो है ना इफ्तार करवा रहे हैं, इफ्तारी दे रहे हैं लोगों को। अभी हम आ गए हैं आई लव हनवारा के पास, और यहीं जो है ना वो हम इफ्तार लोगों को देंगे। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं गुना। इफ्तारी तकसीम हो रही है, तो ये हमने एक पैकेट लाया, दूसरा पैकेट कहाँ है, वहाँ है ना, तो दे दो यार, दे दो इफ्तारी, दे दो एक ही उठा मस्त। तो अभी हम तकसीम कर रहे हैं, अभी हम सबको इफ्तारी दे रहे हैं, और भीड़ बहुत ज्यादा है।
जानू यहाँ हमने इफ्तारी जो है ना मतलब सेकंड भी नहीं लगा तो ऑलमोस्ट दो क्रेट्स थे वो सब खत्म हुए। देखो यार मैं बड़ी इफ्तारी तो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता हूँ तो छोटी थी हमने तो चलो इसमें भी अल्लाह की मेहर है अल्लाह का फजल है। बाकी यहाँ से निकलते हैं अब हमारी टीम जो है ना वो वापस आ गई है इफ्तारी बांट कर है ना। कितना टाइम ही नहीं लगा ना, दो मिनट में खत्म हुआ है, दो मिनट लगे यार खत्म होने में। तो ये देखो यार मैं हल्की फुल्की सी मतलब इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ क्योंकि मेरा बजट उतना नहीं है कि मैं जो ना वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बड़ी इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करूँ। बस मेरा मन है कि मैं करूँ तो मैंने किया यार, अब लोग क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ जी तो अब इस डिस्ट्रिक्ट का हो गया मतलब कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का हो गया, अब इंशाल्लाह बारामुल्ला हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक एक बार ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी यहाँ से टाइम हो गया है इफ्तारी का तो हम खुद जा रहे हैं जायद के घर और वहाँ इफ्तारी करेंगे। यहाँ से दो बंदे आ गए और ये तीसरा बंदा है। आपका नाम क्या है? मुजम्मिल। आपका? अयान। आपका? अच्छा व्लॉग्स देखते हो? और मतलब कैसे लगते हैं? चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। क्या बिग फैन? मैं फैन वैन नहीं मानता, मेरी फैमिली है, मेरे छोटे भाई ये है। चलो थैंक यू आपको, उनको मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच यार। बस देखा करो, शेयर करो लोगों के साथ। बहुत छोटे हो आप, किस क्लास में पढ़ते हो? एट नाइन्थ। और आप? एट। चलो यार, चलो बहुत ही अच्छी बात है। चलो यार थैंक यू सो मच कुपवारा और हंदवाड़ा। चलो चलो यार तैयारी करते हैं, बट यहीं आना हो भाई, यही ना। हाँ चलो चलो जैद, चलो। सो यहाँ जैद के घर वालों ने तैयारी रखी है पहले से ही, तो यहाँ से संतरे बनाना खजूर ये क्या है अंगूर, हाँ अंगूर, और यहाँ से चाय भी लाई है उन्होंने। लेकिन हम पहले काम करते हैं, हम खजूर खाते हैं क्योंकि मैं ऑलवेज जो है ना खजूर के साथ इफ्तारी कर लेता हूँ। तो पढ़ लेते हैं अल्लाह मनी लकसम तो अभी काम तो वाले का तो कल तो वाला रिस्क का अफ्तर तो जैद। तो ये मतलब हमने जो इफ्तारी बांटी ना, मतलब यार मुझे लगा दो मिनट में खत्म हुई है ना, तो क्या ही होता। अच्छा भी रहा, मतलब अच्छा भी रहा, फील अच्छा, हाँ फील अच्छा आया। बाकी खजूर खाओ यार, ये खजूर नहीं संतरा है, खाओ मेरी तरफ से आपको। इतना रिस्पांस अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहला इफ्तार तकसीम करना मेरा कामयाब रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो गई तो हम निकले जैद भाई मैं और सजाद कहाँ नमाजी नमाज के लिए। ये जो है ना ये यहाँ मस्जिद है, मस्जिद शरीफ बहुत बड़ी है। हाँ जी लाओ ना। तो यहाँ से जाहिद भाई ने जो है ना वो तशनारी लाई। वाह इधर क्यों नहीं दिखा रहा है भाई अपना चेहरा दिखा। वाह यार चलो थैंक यू इसके लिए। आप नहीं खाओगे? मैं भी खाऊंगा, मुझे भी इफ्तारी करनी है। तो यहाँ से चावल और देखो यार मेहमान नवाजी ये कर रहे हैं मुझे यार, क्या ही मैं बताऊं। ये क्या है? ये दूध है। अच्छा यछवन चोर ना, चोर कतरुबान बहुत ही बढ़िया है यार। तू क्या जा रहा है आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई अब तू बैठ और खाना खा। थोड़ा सा और क्या लाना है? थोड़ा सा कुछ क्या। देखो यार ये है लोगों का प्यार हमारे लिए। सलाम अलैकुम। अब क्या मार्केट है उस्मान गोमत यार, इतना लाया है आप लोगों ने, थैंक यू सो मच यार जाहिद, थैंक यू सो मच। पहले मैं KYD का थैंक्स करना चाहूँगा, फिर बाद में आपका।
आप तो भाई मतलब यार ये लोगों का प्यार है, लोग प्यार कर रहे हैं, प्यार करते हैं. थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू. कभी सोचा नहीं था कि इतना प्यार मुझे मिलेगा नॉर्थ साइड से, कुपवारा से, हंदवारा से. टोटली फील ब्लेस्ड कि ये मेरे सब्सक्राइबर्स. सच में बताया यार, देखो यार मुझे ना सच में रोना भी आ रहा है, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बोल रहे थे जब मैं घर से निकला कि कहाँ बैठोगे, क्या करोगे, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है. बट ये देखकर आपको लगता है कि मुझे कोई तकलीफ़ है, और इसको देखकर है. चलो यार थैंक यू, पहले हम खाना खाते हैं. बेड बिस्तर प्रिपेयर हो गया है, तो अब जो है ना सोने की कोशिश करेंगे. सोएंगे नहीं, हमें व्लॉग भी एडिट करना है, क्योंकि डेली व्लॉग चल रहे हैं. और अभी टाइम आ गया है ऑलमोस्ट 10:30, और यहाँ से देखो जैद भाई कैसे हैं. लेकिन यार जैद भाई की फैमिली जो है ना एकदम माशाल्लाह वाली है. जैद लव यू यार, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल केवीटी की फैमिली को लव यू, और बाद में आपकी फैमिली को लव यू, खासकर आपके पापा यार. मतलब अगर इनके पापा जो है ना वो व्लॉगिंग पे आ गए ना, तो ट्रैवल व्लॉग्स के बादशाह बन जाएंगे वो कश्मीर में. अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ, कश्मीर में बादशाह बन जाएंगे. मतलब सभी व्लॉगर उसको जो पीछे छोड़ेंगे. ट्रैकिंग कहाँ कहाँ की है उन्होंने, कहाँ नहीं की ये पूछो आप लोगों. मैं हैरान हो गया जब उन्होंने वीडियोस दिखाई, अपनी कलेक्शन दिखाई. इस बंदे को उन जैसा बनना चाहिए, है ना. मैं एक मिनट चलता हूँ फिर यार, थक जाता. उन्होंने बोला मतलब मैं सुबह ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ, फजर की नमाज पढ़ता हूँ, फिर ट्रैवल करता हूँ 15 किलोमीटर. मतलब आप देखो यार उनकी स्ट्रंगथ क्या होगी. बहुत ही बढ़िया कुपवारा यार, आप लोगों ने ना मेरा दिल जीत लिया यार. आप लोग टोटली ऑसम है यार. कुपवारा के लोग है ही ब्यूटीफुल यार, है ही ब्यूटीफुल, और दिल से टोटली अमेजिंग वाले हैं, अमेजिंग वाले हैं जैद भाई. तो ये था हमारा तीसरा दिन कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, और इसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे बारामूला डिस्ट्रिक्ट की ओर. लेकिन सच में बताओ ना, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की बहुत ज़्यादा याद आएगी मुझे, बहुत ज़्यादा. कि अब जो है ना वो सोते हैं, लेकिन आपको बोलता हूँ कि आज जो हमने तैयारी की वो पहले अल्लाह के बगैर और बाद में स्पॉन्सर्स के बगैर मुमकिन नहीं था. हमारे मेन स्पॉन्सर्स है सिकाई इंस्टीट्यूट इन मेंटोरशिप ऑफ सद्दाम सर स्टडी ओवरसीज, जो अब्रॉड एडमिशन करवाते हैं. एम्प्रेसिस जो कि आईवी फर्टिलिटी सेंटर है, और है IDPS दिल्ली पब्लिक स्कूल. सो बाकी ये जो व्लॉग है ना इधर ही एंड करते हैं. आई होप आप सब लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पर फॉलो कर देना. एट लास्ट में ही कहना चाहता हूँ कि खुश रहो, खुशहाल रहो, इंसानियत और कश्मीर जिंदाबाद. अल्हम्दुलिल्लाह.